अगर कोई ऐसी कोई चीज है, कोई बात है जो आपको इन चार सम्यक प्रधानों को परिपूर्ण करने के लिए कुछ कारण बन जाती है, तो वो है योनिसो मनसिका। मित्र के तौर पर ये दो कल्याण मित्र हैं। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु श्रद्धावंत पुण्यवंत उपासक और उपासिकाओं, हम सभी लोग तथागत अर्हत सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदिष्ट श्री सद्धर्म में से बहुत ही महत्वपूर्ण धर्म देशना श्रवण करने जा रहे हैं। 37 बोधिपाक्षिक धर्म के बारे में हम देशना देख रहे हैं। हमने कुछ देशनाएं भी देखी हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम चार सम्यक प्रधानों के बारे में, सम्यक प्रधान के बारे में, प्रधान यानी वीर्य के बारे में हम देख रहे थे। तो पिछले धर्म देशनाओं में भी हमने कुछ देखा है, उससे पहले के धर्म देशना में भी सम्यक प्रधान के बारे में बहुत अच्छा से बताया है। और पहले उससे पहले के प्रवचन में ये प्रधान वीर्य जागने के लिए, जगाने के लिए किस प्रकार से हमें मनसिकार करना चाहिए, इसके बारे में सोचना, कैसे सोचना चाहिए, इसके बारे में बताया। तो आज हम ये जो सम्यक प्रधान वीर्य है, अब ये हमारे विमुक्ति का अंग कैसे बनेगा, है ना, ये हमें क्रमशः धर्म में आगे कैसे ले जाता है, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। ठीक है, थोड़े से गंभीर देखना है, और आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो प्रधान सूत्र और संवर सूत्र बताया गया था वो अब आप लोगों को उपगत हो चुका होगा, मतलब पूरा बाहर हुआ होगा। नहीं हुआ होगा तो कर लीजिए, कोई ये नहीं, ज्यादा बड़ा भी नहीं है, बार बार रिसाइट करने से, चांट करने से वो आ जाता है। तो सबसे प्रथम ये बात है कि ये भगवान बुद्ध जी के धर्म का एक अविभाज्य अंग है, यानी कि उसको अलग नहीं किया जा सकता है। प्रधान वीर्य को, प्रधान वीर्य होने से ही व्यक्ति इस धर्म में आता है। प्रधान वीर्य होने से ही व्यक्ति धर्म में क्रमशः प्रतिपादन करता है। प्रधान वीर्य होने से ही व्यक्ति निर्वाण तक पहुंचता है। ठीक है, लेकिन ये सब कुछ जो प्रधान वीर्य करने का जो रास्ता है, जो भी शिक्षा बताई गई है, ये केवल और केवल तथागत सम्यक संबुद्ध ही बता सकते हैं। इसलिए ऐसा कह सकते हैं संक्षेप में कि बुद्ध शासन के बाहर, यानी कि भगवान बुद्ध की शिक्षा के बाहर, ये चार सम्यक प्रधान नहीं मिलते हैं। ये चार सम्यक प्रधान जिस तरह से हमने देखे हैं पिछले देशना और उससे संवर सूत्र और प्रधान सूत्र में जो बताया है, उस तरह की जो प्रधान वीर्य है तथागत बुद्ध के शासन के बाहर ये दिखाई नहीं देते। और आश्चर्य बात यह है कि तथागत सम्यक संबुद्ध के प्रादुर्भाव होने के बाद ही, अगर भगवान अगर संसार में नहीं आते समझो, तो समझ लेना कि ये चार सम्यक प्रधान भी संसार में कभी नहीं आते। ऐसा नहीं होता है कि एक काल आता है जब पच्चीक बुद्ध का काल आता है, जिसमें बहुत सारे पच्चीक बुद्ध बन जाते हैं, लेकिन वे भी इन चार सम्यक प्रधानों की देशना नहीं कर सकते जो आपको निर्वाण की ओर ले जा सकते हैं। वे भी आपको चार सम्यक प्रधानों की देशना नहीं कर सकते, लेकिन वे बताते हैं, हाँ वे बताते हैं कि सभी पापों से कैसे दूर रहना है, अपने भीतर अच्छाइयों को कैसे बढ़ाना है, नानाविध पुण्य आदि कैसे करना है। तो ये सारी चीजें शील आदि गुणों को या जो भी सद्गुणों को लेकर वो बता सकते हैं, लेकिन ये निर्वाण का अंग कैसे बन सकता है वो नहीं बता सकते। केवल और केवल तथागत अर्हत सम्यक संबुद्ध ही इस संसार में जब प्रादुर्भूत हो जाते हैं, तभी लोगों पर अनुकंपा करते हुए जब तथागत धर्म की देशना देते हैं, तभी ये बोधिपाक्षिक धर्म में से, 37 बोधिपाक्षिक धर्म में से
ये चार सम्यक प्रधान भी प्रादुर्भूत हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि ये एकांततः सम्यक संबुद्ध का ही विषय है, सम्यक संबुद्ध ही कर सकते हैं। और जिस व्यक्ति को समझ लेना, जिस व्यक्ति को ऐसे विमुक्ति का जो मार्ग बताने वाले तथागत सम्यक संबुद्ध का दर्शन होता है, ऐसे भगवान बुद्ध अगर उनको मिल जाते हैं, तो वे शत प्रतिशत ये विमुक्ति दायनी मार्ग, ये सम्यक प्रधान वो सुन सकते हैं, है ना, उनको इसका प्रति लाभ हो सकता है। तो भगवान बुद्ध ने एक एक जरिया बताया है, जैसे कि उपमा भी बताए गए हैं इस तरह की, जैसे आकाश में जब सुबह सुबह जब सूरज निकलता है, सूरज निकलने से पहले अरुण उदय हो जाता है। अरुण का अर्थ होता है जो आकाश में जो लाली रंग फैलता है, वो सूरज उगने का, सूरज आने का एक प्रमाण होता है और ये निश्चित होता है। उसी प्रकार से जो व्यक्ति भगवान बुद्ध को मिलता है, जो व्यक्ति भगवान बुद्ध को मिलता है, समझ लेना उनको ये चार सम्यक प्रधान व्याधि सब मिल गई, समझो। कल्याण मित्र से ही, कल्याण मित्र से, और भगवान के बाद कल्याण मित्र बन जाते हैं भगवान के श्रावक हैं, भगवान के श्रावक, और भगवान के बिना ये इसकी देशना कोई नहीं दे सकता है। और इस कारण से उन कल्याण मित्र की संगति से ही, कल्याण मित्र की संगति से ही ये चार सम्यक प्रधान आपका प्रति लाभ हो सकता है, चार सम्यक प्रधान वीर से संपन्न बन सकते हैं। ठीक है, तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि मैं अन्य ऐसा कोई ये नहीं देखता। और जैसे कि सूरज निकलने के लिए वो अरुण का उदय एक संकेत देता है कि सूरज निकलेगा ही, वैसे ही सेम टू सेम भगवान बुद्ध कहते हैं कि कल्याण मित्र अगर आपको मिलते हैं, मिलता है, समझ लेना ये चार सम्यक प्रधान भी आपको मिलते हैं। दूसरी बात है, ये बाहर के बुद्ध शासन में जो बाहर के जो कल्याण मित्र हैं उनका मिलने से ये चार सम्यक प्रधानों को पूरा कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने कि जो संवर सूत्र में जैसे बताया है ना, संवर सूत्र में कितने चार चीजें हैं, चार चीजें आता है, संवर प्रधान है, संवर प्रधान है, उसके बाद में प्रहाण प्रधान है, उसके बाद में भावना प्रधान है, और उसके बाद में अनुरक्षणा प्रधान। अभी ये जो प्रधान वीर्य है, ये प्रधान वीर्य कल्याण मित्र के द्वारा ही, कल्याण मित्र से ही, मतलब आप उसका प्रतिलाभ कर सकते हैं, लेकिन ये उसका स्टार्टिंग है। लेकिन आपको आगे भी और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इन चार सम्यक प्रधानों को पूरा करने के लिए, उस बात को कहते हैं योनिसो मनसिकार। क्या कहते हैं? योनिसो मनसिकार। तो भगवान ने कहा है कि आपको, मतलब एक बाहरी चीजों में सबसे उपकारक कुछ चीज है, समझो इस चार सम्यक प्रधानों को परिपूर्ण करने में, तो वो कल्याण मित्र की संगति, यानी कि भगवान बुद्ध की संगति में रहना या भगवान के श्रावकों की संगति में रहना, ये बाहर चीजों में एक कारण आता है। और भगवान कहते हैं अगर भीतर में अपने में अगर कोई ऐसी कोई चीज है, कोई बात है जो आपको इन चार सम्यक प्रधानों को परिपूर्ण करने के लिए कुछ कारण बन जाती है, तो वो है योनिसो मनसिका। इसलिए आपके मित्र के तौर पर ये दो कल्याण मित्र हैं, बाहर का कल्याण मित्र भगवान बुद्ध या भगवान का श्रावक, दूसरा नहीं है, और वो भी नहीं है जो भगवान बुद्ध धर्म संघ के गुणों पर विश्वास नहीं करता लेकिन भगवान को मानता है, मैं कहता है कि मैं भगवान का हूँ लेकिन उसकी बोधि पर श्रद्धा नहीं है, वो भी कल्याण मित्र है, या गलत तरीके से धर्म के नाम पर अधर्म बताता है तो वो भी कल्याण मित्र नहीं बन सकता। लोग उसको बहुत बड़े बड़े नाम देते हैं लेकिन उनके मतलब उनको कोई गुण ऐसे छूता नहीं कल्याण मित्र। कल्याण मित्र भगवान बुद्ध और भगवान के श्रावक जो बाहरी तौर पर है, बाहरी दुनिया में है, जो आपको बहुत उपकारी बनते, और भीतर का कल्याण मित्र है योनिसो मनसिकार। लेकिन योनिसो मनसिकार मतलब क्या है? बहुत सारे लोगों को प्रश्न आता है बार बार कि आगे योनिसो मनसिकार क्या होता है ना, ये एक टर्निंग पॉइंट है।
जो आपके भीतर धर्म का अवबोध करने के लिए टर्निंग पॉइंट है। तो ये योनिसो मनसिकार कौन कर सकता है और कैसे कर सकती थी, आखिर योनिसो मनसिकार अर्थ क्या हो सकता है? तो उसका योन वो पहले बताते हैं कि वो कौन कर सकता है। तो योनिसो मनसिकार वे ही कर सकते हैं जिस व्यक्ति को भगवान बुद्ध ने जो धर्म उपदेश बताए हैं उन धर्म उपदेशों का सही अर्थ पता है, सही अर्थ उसने धारण कर लिया है, वो सही अर्थ जान लेता है। यानी कि जिस अर्थ से भगवान बुद्ध ने जो धर्म का उपदेश दिया है उसी अर्थ को समझने वाला, उसको धारण करने वाला व्यक्ति ही योनिसो मनसिकार कर सकता है। लेकिन भगवान ने बताए हुए श्री सद्धर्म को यथार्थ रूप में कौन जान सकता है, कौन धारण कर सकता है? वही धारण कर सकता है जिसने सद्धर्म श्रवण किया हो। यानी कि सद्धर्म श्रवण करेंगे तो ही, यानी कि बुद्ध की वाणी अगर श्रवण करेंगे तो ही आप धर्म के सही अर्थ को जान पाएंगे। और भगवान की वाणी यानी कि सद्धर्म श्रवण कब कर पाओगे? जब आप कल्याण मित्र की संगति करो। यानी कि वही है, यहाँ से स्टार्टिंग है, लेकिन अंदर का जो एक पार्ट है जो आपको कल्याण मित्र के रूप में आपको कल्याण कर सकता है वो है योनिसो मनसिकार। भगवान कहते हैं जिसको कल्याण मित्र की संगति मिली है और जो योनिसो मनसिकार करता है उसी व्यक्ति से ये आशा की जा सकती है कि वो इन चारों सम्यक प्रधानों को, प्रधान वीर्य को वो पा सकता है, उसको परिपूर्ण कर सकता है। यानी कि जैसे कि अनुत्पन्न पापी आकुशलों को अपने भीतर कभी उत्पन्न न होने देने का जो वीर्य है, उत्पन्न हुए पापी आकुशलों को दूर कर नष्ट करने का जो वीर्य है, जो अनुत्पन्न जो कुशल धर्म है अपने भीतर उत्पन्न करने का जो वीर्य है, और उत्पन्न हुए कुशल धर्मों की स्थिति बनाए रखकर उसको बढ़ा बढ़ाकर उसकी भावना परिपूर्ण करने का जो वीर्य है, तो वही व्यक्ति कर सकता है जिनके पास ये दो चीजें हैं, कल्याण मित्र की संपत्ति और योनिसो मनसिकार। अगर आपने इन दोनों का उपयोग नहीं किया, समझो आप कल्याण मित्र की संगति में हैं लेकिन आपने दूसरा उसका चरण उपयोग में नहीं किया, समझ लेना वो तब भी व्यक्ति धर्म से बहुत दूर है। मतलब आपने कल्याण मित्र की संगति की है लेकिन आगे आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। ये योनिसो मनसिकार ही तो है जो आपको धर्म जीवन जीने के लिए कारण बनता है। और भगवान ने इसके बारे में क्या बताया पता है? समझो आपको भगवान बुद्ध मिले हैं, आपको भगवान के साथ रहने का मौका मिला, यहाँ तक एक कुटी में रह रहे, भगवान जिस कुटी में है उसी कुटी में रहने का मौका मिला, भगवान भिक्षा के लिए जा रहे तो आप उनके पीछे पीछे जा रहे, भगवान ने जहाँ पैर रखा वहां पैर रख रहे हैं। या ऐसा भी कह सकती है आपको बहुत स्नेह है तो भगवान के चीवर का कोना पकड़ के भी पीछे जा रहे, ठीक है। लेकिन भगवान बुद्ध कहते हैं पता है, भगवान बुद्ध कहते हैं अगर आप लोगों में अगर योनिसो मनसिकार नहीं है, यानी कि वो धर्म अपने जीवन में धारण नहीं कर पा रहे, तो भगवान बुद्ध कहते हैं इतना करीब इतना नजदीक होने के बाद भी वो मेरे से सैकड़ों योजन दूर है बोलता है, ठीक है, वो मेरे से बहुत दूर है बोलते। लेकिन कोई व्यक्ति हाँ बहुत दूर है, 100 योजन दूर है, ठीक है, और मतलब साधारण रूप से हम बोल सकते हैं कि बहुत दूर है ना। लेकिन उसने अभी तथागत के श्रीमुख से श्री सद्धर्म श्रवण किया है और जब भगवान के श्रावक संघ से सद्धर्म श्रवण कर लिया है और वो दूर जा अपने भीतर वो योनिसो मनसिकार को बढ़ाता हुआ, अपने भीतर योनिसो मनसिकार को बढ़ाता हुआ अपने सम्यक प्रधान वीर्य को पा देता है, सम्यक प्रधान वीर्य को पा लेता है। यानी क्या करता है, अपने संवर प्रधान यानी अपने बहुत अच्छी तरह से अपने इंद्रियों को संवर कर लेता है, योनिसो मनसिकार करता हुआ अपने सभी इंद्रियों को संवर कर लेता है। प्रहाण प्रधान अपने भीतर की जो जो भी वितर्क है, जो मिथ्या वितर्क है उसका उसको हमेशा के लिए वो त्याग देता है और प्रहण कर देता है, नष्ट कर देता है, ऐसा वीर्य वो पा लेता है। उसके बाद में भावना प्रधान, भावना प्रधान यानी कि साध भोजंग की भावना, योनिसो मनसिकार को बढ़ाता हुआ साध भोजंग को प्राप्त कर लेता है। जब मैं आपको सतिपट्ठान सिखाऊंगा
और उसके बाद में भोजंग का भी चैप्टर है, दोनों जगह पर भोजंग के बारे में सिखाऊंगा। ठीक है, तो वो भावना प्रधान को भी योनिसो मनसिकार से, वो भावना प्रधान से भोजंग धर्म की वो भावना करता है। उसके बाद में अनुरक्षण जो समाधि के निमित्त है, जैसे कि 10 प्रकार की जो भी अनुस्मृतियां या जो भी है उसका निमित्त है, वो बहुत अच्छी तरह से ग्रहण कर लेता है। या जो अशुभ भावना है, जो 9 प्रकार के शवों के बारे में जो जो संज्ञाएं जागती है ना, एक एक प्रकार 9 प्रकार की डेड बॉडीज हैं, तो उसके हर एक संज्ञा को मतलब वो समाधि निमित्त को प्रा लेता है। यहाँ तक कि वो 10वीं जो बात है अशुभ संज्ञा पटिकूल मन शिकार पर्व में जो 32 प्रकार की गंदगियों का जो ये है संज्ञा समाधि निमित्त है, उसको लेकर भी क्यों ना, जब उस आदमी कोई ग्रहण कर लेता है, प्राप्त कर लेता है और उसकी वो अनुरक्षणा कर लेता है, तो भगवान बुद्ध कहते हैं ये कर सकता है योनिसो मनसिकार से। और ऐसा करता हुआ जब ये प्रधान वीर्य पा लेता है, तो भगवान कहते हैं वो कितना भी दूर क्यों न रहे वो व्यक्ति मेरे से नजदीक है, बोलते भगवान बुद्ध से वो ज्यादा दूर नहीं है, बोलते। तो इस तरह से भी अगर आप चाहते हैं कि मैं भगवान के नजदीक रहने वाला बनूं, भगवान की दृष्टि में आने वाला बनूं, नहीं तो देखिए पूरा एक मतलब बहुत घना अंधकार है, और उस अंधकार में अगर कोई आदमी जाता है, एकदम काला कुट्टा आदमी है और वो अंधेरे में गया और वो कुछ दिखाई नहीं देगा, है ना, साधारण आंखें वाला आदमी भी उसमें वो नहीं देख पाएगा, है ना। तो उसी तरह से है ना, भगवान भगवान को मतलब वो मतलब अंधे मतलब न देख दृष्टि में वो नहीं आता है। भगवान तो सब कुछ जानते हैं लेकिन वो भगवान की दृष्टि में नहीं आता, जहां पर ये करुणा करने योग्य जो दृष्टि होती है ना। लेकिन अगर ये सम्यक प्रधान वीर्य करने के लिए, जो कल्याण मित्र की संगति में रहकर, बाहरी कल्याण मित्र की संगति में रहकर योनिसो मनसिकार को बढ़ाता हुआ इन 4 सम्यक प्रधान वीर्य का प्रति लाभ कर लेता है, तो भगवान बुद्ध कहते हैं इस घने अंधकार में जैसे तेल का दिया जलाया हो, घने अंधकार में जैसे तेल का दिया जलाते हैं, तो पूरे अंधकार में वो पूरा सब तरफ अंधेरा फैला हुआ है, लेकिन हम सब तरफ नहीं देख पाते, वही देखते हैं जहाँ वो दिया की रोशनी है ना, जहाँ वो दिए की रोशनी है वहीं पर हम देखते हैं। क्यों? सब तरफ देखने के बाद भी हम वही देख पाते हैं, क्यों? क्योंकि वही एक है चीज है जो जिसको हम देख सकते हैं। तो वैसे ही भगवान बुद्ध कहते हैं जिस व्यक्ति में योनिसो मनसिकार होता है, योनिसो मनसिकार से ये प्रधान वीर्य कर लेते हैं, उस वो व्यक्ति भगवान की दृष्टि में भी आता है, और वो जहाँ भी रहता है मतलब जिस जैसे भी धर्म का जीवन जीता है, तो बहुत ही अच्छी तरह से धर्म का जीवन जी सकता है, क्योंकि यही धर्म जीवन जीने के लिए एक द्वार है। ठीक है, तो इस तरह से अपने भीतर इन 4 सम्यक प्रधानों को पाने के लिए इन दो अपने भीतर बातों को बढ़ाना चाहिए। पहला है बाहर के कल्याण मित्र की संगति में रहना चाहिए, और दूसरा है योनिसो मनसिकार कर। अभी मैं बताता हूँ कि अभी इसकी भावना किसकी कैसी होनी चाहिए। इन 4 सम्यक प्रधानों की भावना इसके लिए ऐसी होनी चाहिए, अभिन्याय। अभिन्याय का मतलब होता है श्रेष्ठ ज्ञान जो है ना, जैसे कि जो आश्रय क्षय ज्ञान है और भी जो ये अभिन्याय है श्रेष्ठ, जैसे कि ध्यान आदि की अवस्था है पानी के बारे में, तो जो श्रेष्ठ निमित्त क्या बोलते हैं श्रेष्ठ ज्ञान है, उस श्रेष्ठ ज्ञान को पाने के लिए ही इनकी भावना होनी चाहिए। उसके बाद में यह आता है कि अभिन्याय संबोधाय, ये 4 समय प्रधान वीर्य का प्रतिलाभ ऐसे होना चाहिए जो अपने बोधि का मार्ग बन जाए, निर्वाण का मार्ग बन जाए, है ना। संबोधाय यानी कि निर्वाण के मार्ग मार्ग के ये होनी चाहिए उसकी भावना। उसके बाद में आता है निब्बानाय, निब्बानाय का अर्थ होता है ये निर्वाण के लिए होनी चाहिए, है ना, यानी कि ये जो 4 सम्यक प्रधान की भावना कैसे होनी चाहिए, निर्वाण के लिए होनी चाहिए। निर्वाण जहाँ पर उसका मतलब ये होना चाहिए, क्या बोलते हैं वो हेतु होना चाहिए। अभी ये हो गई है ध्यान मतलब जो सम्यक प्रधान वीर्य वीर्य भावित करने के लिए अपने में बढ़ाने प्रतिलाभ करने का मतलब एक हेतु, लेकिन उसका आश्रय और एक होना चाहिए। आश्रय
उसका आश्रय जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उस प्रैक्टिस करने के लिए उसका कोई आश्रय धर्म होना चाहिए। जैसे आश्रय किसे कहते हैं, जैसे कि अगर हम कोई प्राणी किसी पहाड़ या समझो कि हिमालय से, हिमालय के आश्रय से रहता है ना, जैसे कि हम सभी लोग क्या है, इस पृथ्वी के आश्रय से रहते हैं। ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर हम उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, खाते पीते हैं, सब ये सब कुछ कर पा रहे। क्यों कर पा रहे? क्योंकि ये पृथ्वी है, पृथ्वी के आश्रय से रहते हुए ये सब कुछ कर रहे हैं, है ना। छोटा प्राणी है, बड़ा प्राणी है, वो सभी लोग क्या करते हैं, या तो पृथ्वी पर बैठते हैं, खड़े होते हैं, चलते हैं, सोते हैं, जो भी है अपनी सभी क्रियापदों में अपना जीवन यापन करते हैं। सेम टू सेम भगवान बुद्ध कहते हैं, वैसे ही उनके कुछ आश्रय धर्म होने चाहिए, या चार सम्यक प्रधान वीर्य करने के लिए। ठीक है, ये चार सम्यक प्रधान करने के लिए आश्रय धर्म ऐसे होने चाहिए। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, विवेक निश्चितम, विवेक निश्चितम, विवेक यानी एकांत भाव। अभी उसकी बहुत गहराई है, मतलब उसके विवेक के बारे में अभिधर्म में तो बहुत अलग अलग प्रकार के बताए हैं, लेकिन इतना समझ लीजिए कि विवेक दो तरह का है। अगर संक्षिप्त में कहा जाए तो विवेक दो तरह का है। एक होता है काया का विवेक, यानी कि शरीर का विवेक, एकांत, शरीर का एकांत और मन का एकांत, ये दो तरह के एकांत। तो शरीर का एकांत क्या होता है? जब कोई व्यक्ति भगवान बुद्ध के द्वारा उपदेश श्री सद्धर्म सुनता है, ये विमुक्तिदायिनी मार्ग सुनता है, सुनने के बाद उसको लगता है कि मुझे भी इसके बारे में धर्म मन स्वीकार करना चाहिए, जो भी विमुक्तिदायिनी मार्ग समझ लेता, उसके अर्थ को समझ लेता है, तो इन भीड़ भाड़ से लोगों से बिल्कुल थोड़ा सा अलग जाकर किसी रूम में, शयनागार, शून्यागार में, या किसी वृक्ष के नीचे जंगल में कहीं जाकर एकांत में अपना समय बिताता है और बिताने के मन आ जाता है। अगर ऐसा धर्म श्रवण करने के बाद भी अगर ऐसे एकांत में जाने का मन नहीं हो रहा है, तो समझ लेना कुछ तो भी प्रॉब्लम है, कुछ कमी है। तो वो व्यक्ति जब ऐसा श्री सद्धर्म श्रवण कर लेता है और ऐसे एकांत में कहीं एक जगह पर जाता है, तो वो कहलाता है काय विवेक, यानी कि काया का एकांत। बहुत इंपॉर्टेंट है, भीड़ भाड़ में रहकर लोगों के बीच में बातें करते करते धर्मावबोध नहीं होता है ना। धर्मावबोध होने के लिए एकांत बहुत जरूरी है। आपने देखिए भगवान बुद्ध का जीवन कैसा है ना, भगवान ने जब से गोह त्याग किया तब से, परिनिर्वाण होने तक सब बाहरी था, है ना। भगवान ने परिनिर्वाण भी खुली जगह पर एकांत की, है ना। तो उस तरह से काया का एक विवेक होना बहुत जरूरी है, और उसी के लिए ये धर्म का मतलब उसकी प्रैक्टिस जो है उसका आश्रय ये होना चाहिए। मतलब आपको काया का विवेक भी मिले, काया का एकांत मिले, ये भी उसका एक सपोर्टिव पार्ट होना चाहिए। उसके बाद में चित्त का विवेक, जिस जिस प्रकार से आप ये इन चार समय प्रधानों को भावित करेंगे, तो उसका ये भी एक आश्रय होना चाहिए कि जिससे कि चित्त जो, जैसे चित्त का विवेक यानी चित्त के भीतर उत्पन्न होने वाले जो निवरण है, उपक्लेश है ना, तो वे निवरण भी दूर होने के मतलब दूर होने की तरह है ही हमें उसको भावित करना चाहिए। अगर जैसे जैसे आपने इस धर्म को श्रवण करने के बाद एक श्रद्धा का प्रतिलाप किया, अरे भगवान का ये धर्म है, कैसा ये विमुक्तिदायी धर्म है आदि, जब आपने उसके बारे में सुना और बहुत श्रद्धा जागी, श्रद्धा का प्रतिलाभ हो गया, और आपके भीतर चित्त आपका बहुत मतलब ये हो गया, मृदु हो गया, समाहित चित्त हो गया, आपने उसका उस समझ लिया कि उसकी गंभीरता कितनी है ना, और कुछ ना कुछ मतलब उस तरह का प्रयास कर रहे हैं कि भगवान ने जिस जिस बातों को छोड़ने के लिए बोला वो छोड़ने के लिए, जो बातें अपनाने के लिए बोला वो अपनाने के प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरह से जो इंद्रियों का छोटा छोटा प्रतिलाभ होना है, जैसे श्रद्धा का प्रतिलाभ है, वो वीर्य का प्रतिलाभ है, या आपके स्मृति समाधि प्रज्ञा का प्रतिलाभ, ये छोटे छोटे प्रमाण में भी उसका जो प्रतिलाभ जो होता है व्यक्ति को, तो इस कारण से क्या होता है, आपके भीतर के जो निवरण है, क्योंकि उसका प्रतिलाभ जब श्रद्धा का प्रतिलाभ जो होता है, तो निवरण वहां नहीं रहे। इसके बारे में जैसे मिलिंद प्रश्न में एक उदाहरण बताया है, जैसे भगवान नागसेन बंते जी बताते हैं, जैसे किसी कोई बहुत मटमैला पानी है जिसमें
रेत है, शैवाल है, धूल से, मतलब ऐसा अलग अलग मलिन पानी। और उसमें एक जो एक पत्थर होता है ना, वो हमारे मराठी में तो उसको तुरटी बोलते हैं, लेकिन हिंदी में पता नहीं। तो एक जो पत्थर होता है वो, अगर उसके टुकड़े अगर उसमें डाल दिए समझो, तो वो पानी जो भी मैल है, जो भी उसका शैवाल है, वो पूरा उसके नीचे जाता है और ऊपर का पानी साफ बन जाता है। तो वैसे ही भगवान बुद्ध कहते हैं, इनका अपने इस धर्म का, जब आप कल्याण मित्र की संगति में रहते हैं, इसीलिए भी ये सारा रास्ता है ना, कल्याण मित्र के साथ रहते रहते ही पूरा करना होता है। कभी ऐसा नहीं होता है कि मैं अकेला कर सकता हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं अभी मैं सबको जान रहा हूँ, अभी मुझे कोई जरूरत नहीं। ये बात गलत है। कल्याण मित्र छोड़ दिया समझ लेना, आपको आपका सारा रास्ता रुक गया है। कल्याण मित्र की संगति है तभी आप ये सब कुछ कर सकते हैं। और इसीलिए आप जहां भी रहें, लेकिन कल्याण मित्र की संगति वाला होना चाहिए। कल्याण मित्र बहुत कह दिया, दो तरह के हैं, भीतर बाहर वाला कल्याण मित्र भगवान बुद्ध, भगवान के श्रावक, और भीतर का कल्याण मित्र है आपका योनिसो मनसिका, आपको सही राह दिखा सकता है, सही बोध दे सकता है, सही वहां पर पहुंचा सकता है। तो पहुंचाने वाले ये कल्याण मित्र आपके पास होना चाहिए। तो इसका जो छोटा छोटा मात्र में भी क्यों ना हो, प्रति लाभ हुआ समझो, वो जो निवरण है वो निवरण नहीं रहे। जब निवरण नहीं रहेंगे, तो निवरण न होने की योग्यता अगर रखते हैं, वो ये बोधिपाक्षिक धर्म में आप सुन रहे हैं, तो अगर ये निवरण छूट रहे हैं समझो, श्रद्धा आदि इंद्रियों का प्रतिलाभ हो रहा है, तो समझ लेना आपका चित्त भी निवरणों के बिना होने के कारण, वो आपका चित्त विवेक भी जागृत हो रहा है। इसी के लिए, इसी आश्रय से ये चार सम्यक प्रधान की मतलब प्रैक्टिस होनी चाहिए, मतलब उसकी भावना होनी चाहिए, ठीक है, इसको उसका अभ्यास होना चाहिए। जब आप ऐसा कर रहे हैं तो सचमुच आपकी ये चार सम्यक प्रधान की प्रधान चार सम्यक प्रधान की भावना जो है, इसका जो वीर्य है वो कैसे बनेगा, विवेक निश्चितं, ये दो चरण है, इसको समझाने के लिए इतना स्पष्टीकरण दिया। ये चार सम्यक प्रधानों की भावना कैसे होनी चाहिए, विवेक निश्चितं, काय विवेक और चित्त विवेक। उसके बाद में आता है विराग निश्चितं, विराग निश्चितं। अब ये विराग अवस्था क्या हो जाती है ना, लोगों को समझ में आना चाहिए, ये विराग मतलब ऐसे ही नहीं जाता है। विराग अवस्था उस उसे कहते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति धर्म श्रवण कर लेता है, और धर्म श्रवण करने के बाद धर्म के अर्थों को जान लेता है, और जिस अर्थ को उसने मतलब बताया गया था उसी अर्थ को धारण करता है, उस अर्थ के अनुसार जब वो योनिसो मनसिकार करता है, योनिसो मनसिकार बढ़ाता है, और वो यथार्थ रूप से समझ लेता है कि ये बात क्या है। जैसे कि अकुशल है तो अकुशल को समझ लेता है, कुशल है तो कुशल को समझ लेता है, और अकुशलों का त्याग करता है तो अकुशलों का त्याग करते समय उसको कोई दुख नहीं है, कोई लोभ नहीं जागता, द्वेष नहीं जागता, और कुशलों का संपादन करते हुए भी मतलब निरपेक्ष भाव रहता है। और जो वैसे वैसे ही जैसे वो अगर अशुभ को अशुभ की तरह देखता है, जो अशुभ बताया गया था वो अशुभ की तरह ही अगर वो देख लेता है, तब उसके भीतर कोई राग आदि क्लेश नहीं बढ़ता है ना, राग आदि क्लेश नहीं बढ़ता है। और उससे आगे जब वो अनित्य दुख अनात्म का बोध कर लेता है, तो उस समय में जो अनित्य है उसको अनित्य की तरह ही जब वो देख लेता है, अपनी प्रज्ञा से वो बोध कर लेता है, स्पर्श कर लेता है, तो जिसको लेकर वो अनित्य को अनित्य का बोध कर लेता है, तो भगवान कहते हैं उसको लेकर वो कभी वो राग के संस्कार नहीं जगा सकता, द्वेष का संस्कार नहीं जगा सकता, मोह का संस्कार नहीं जगा सकता। जो अकुशल संस्कारों का न जागना ही क्या होता है, विराग, मतलब वो नहीं बन रहे। जो राग था वो अभी उसे अलग है, लेकिन केवल राग के बारे में नहीं, बाकी क्लेश भी जो न बनना होता है जिस अवस्था में, तो वो न बनने की अवस्था जो है उसी को विराग कहते हैं। तो ये जो चार सम्यक प्रधानों की जो भावना है उसका आश्रय क्या होना चाहिए, विराग बनने के, मतलब जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके पीछे आपको मतलब ये होना चाहिए कि मतलब विराग का भाव होना चाहिए, विराग ये उसका डेस्टिनेशन विराग नहीं, और उसी के लिए उसी आश्रय से मैं ये कर रहा हूँ, विराग के लिए होना चाहिए। उसके बाद में आता है ये चार सम्यक प्रदानों की भावना निरोध के लिए होती है, उसके बोलते हैं विवेक निश्चितं, विराग निश्चितं, निरोध निश्चितं। निरोध का अर्थ होता है, निरोध का अर्थ होता है कि
यही इन्हीं राग द्वेष मोह आदि जो क्लेश है, उपक्लेश है, उनको जो निरुद्ध हो जाना, या जो निरुद्ध हो जाते, निरुद्ध कहाँ हो जाते हैं, वो निर्वाण में ही निरुद्ध हो जाते हैं। तो उसको निरुद्ध करने के भाव से निरुद्ध हो जाते हैं, है ना, इस पर श्रद्धा विश्वास रखते हुए, उसी के लिए जब हम सम्यक प्रधानों की भावना भी कैसे करते हैं, निरोध के लिए, सभी क्लेशों को शत प्रतिशत निरुद्ध कर देने के लिए। तो ऐसी भावना, ऐसी श्रद्धा रखकर जब इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं, और वैसे ही आप धीरे धीरे अपने क्लेशों को निरुद्ध करते जाते हैं, तो भगवान कहते हैं कि सचमुच ये चार सम्यक प्रधानों की भावना लोकोत्तर यानी कि निर्वाण की ओर ले जाने वाली बन गई। बाद में एक शब्द है उसको बोलते हैं औसग्य परिणाम। ये चार शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं विवेक निश्चित, विराग निश्चित, निरोध निश्चित, औसग्य परिणाम। इसको याद कर ले, औसग्य परिणाम का क्या अर्थ होता है? औसग्य का अर्थ होता है औसग्य यानी परित्याग, औसग्य यानी परित्याग करना, यानी कि छोड़ देना, मतलब छूट उसको शत प्रतिशत, मतलब उसको हटा देना, उसको कहते हैं औसग्य परिणाम। मतलब ये चार सम्यक प्रधानों की भावना ऐसी होनी चाहिए, तो ये सभी क्लेशों का परित्याग, शत प्रतिशत परित्याग कब हो जाता है? जहां निर्वाण। तो आपका ये जो प्रैक्टिस का जो ये होना चाहिए, आश्रय होना चाहिए, प्रैक्टिस का जो आश्रय होना चाहिए, वो आपको निर्वाण तक पहुंचाने वाला, सभी क्लेशों का परित्याग करने तक ही जिसकी उसकी पहुंच होनी चाहिए, है ना। जिस तरह से, जैसे मैंने सेकेंड वाली प्रवचन में बोला था, यानी इससे पहले के मतलब जो पिछले संडे से पिछले संडे प्रवचन में जो बताया था मैंने, ये अकुशल क्या है, मैंने अकुशल के मूल मूल के बारे में बताया था। अकुशल मूल होते हैं लोभ द्वेष मोह, और लोभ द्वेष मोह के साथ में जो क्रिया की जाती है अपनी काया से, वाणी से या मन से, वे कैसे अकुशल बन जाती है। और इन अकुशलों के मूलों को भी अपने भीतर न जगाने के लिए, जो प्रया मतलब खुद जाग ना जाए, और मेरे मेरे द्वारा किसी भी काया वाचा मन से किसी भी प्रकार का अकुशल मतलब हो ना जाए, इसके बारे में जब कोई इच्छा जगाता है, मतलब आशंका करता है और वो इच्छा जगाता है कि मेरे भीतर कोई ऐसा जाग न जाए, और ऐसा करता हुआ फिर कोई आकुशल कोई क्लेश उसमें पैदा नहीं होता है ना, क्योंकि वो जो इच्छा करता है उस प्रकार का वो प्रयास बनाए रखता है। लेकिन प्रयास बनाए रखने के लिए मैंने वो भी बताया था कि किस तरह से वो प्रयास में वो सफल हो सकता है। सिर्फ अभी वो बाकी धर्मों में अंगों में पूरा जीरो है, अभी स्टार्ट किया, अभी मैं मेरी इच्छा जगाई कि मेरे भीतर कोई आकुशल उत्पन्न न हो, इतने से नहीं होता है। कि जहां वे अकुशल पैदा होते हैं, अकुशल मूल पैदा होते हैं, उसी को वो पहले जानता है, संवर कर लेता है ना। अगर संवर नहीं कर लिया तो ये अकुशल मूल जाग ही जाते हैं, क्योंकि चक्षु से रूप देखकर, कान से शब्द सुनकर, नाक से गंध लेकर, जीवा से रस चख कर, काया से स्पृष्टव्य पदार्थ का स्पर्श कर, और मन से भी कोई धर्म का टॉपिक है जो उसको विचार करके जान कर, क्या जागता है? ये अकुशल मूल जागते, क्योंकि जो मन है जो अकुशल मूलों के साथ अगर पैदा होता है तो उससे होने वाली क्रियाएं भी अकुशल बन जाती, फिर वो वाणी की क्रिया हो, शरीर की क्रिया हो, चाहे मन की क्रिया हो, ठीक है। तो इस तरह से उसको मतलब बहुत सारे सद्गुण होने जरूरी होते हैं, और ऐसा करता हुआ समर्थ बन पाता है इन अकुशलों को अपने भीतर कभी उत्पन्न ही न होने देने के लिए समर्थ बन जाता है, और अपने भीतर के पापी आकुशलों को दूर हटाने में वो समर्थ बन जाता है। लेकिन ये उसकी हर एक क्रिया ये कहाँ तक पहुंचा देती है? उसका डेस्टिनेशन आ जाता है निर्वाण, मतलब वो चित्त की परिपूर्णता, परिशुद्धता, चित्त की परिपूर्ण परिशुद्धता, है ना, परिशुद्धता ही मतलब परिपूर्ण निर्मलता, निर्मलता तक पहुंचा देता है। तो वहां तक परिणाम देने वाला, मतलब उसका रिजल्ट वहां तक आता है। तो ये जो चारों सम्यक प्रधानों की भावना है वो कैसे होनी चाहिए? औसग्य परिणाम है, निर्वाण तक पहुंचाने वाली, ठीक है, सारे क्लेशों का परित्याग करने। मतलब इसमें एक भाव आता है कि सबसे इंपॉर्टेंट में होता है कि चित्त का झुकाव है वो तीव्र रूप से झुकाव, मतलब क्या कहते हैं उसको, कहते हैं लोकोत्तर चित्त, लोकोत्तर चित्त, लोकोत्तर चित्त उत्पन्न करके ही इन चार सम्यक प्रधानों की जब आप भावना करोगे, इसको अपने में बढ़ाता हुआ इसका प्रतिलाभ करोगे, अनुत्पन्न पापी अकुशलों का
अनुत्पन्न अनुत्पाद के लिए, उत्पन्न पापी अकुशलों के प्रहान के लिए, अनुत्पन्न कुशल धर्मों के उत्पाद के लिए और उत्पन्न हुए कुशल धर्मों की स्थिति बनाए रखने के लिए, जो आप वीर्य का प्रतिलाभ करते हैं, तो वीर्य का प्रतिलाभ करने के लिए, अगर लोकोत्तर चित्त अगर वहां पर है समझो, तो आपको वो सचमुच शत प्रतिशत निर्वाण की ओर झुकाए और निर्वाण की ओर वो औसर्ग परिणामी बनेंगे। विवेक निश्चित, विराग निश्चित, निरोध निश्चित, औसर्ग परिणाम, इन चार गुणों से युक्त ही वो चार सम्यक प्रधान की भावना बनेगी। और जैसे कि फिर बात मैंने संवर सूत्र में जैसे बताया था, है ना, कि जैसे कि संवर प्रधान है, प्रहान प्रधान है, या भावना प्रधान है, या अनुरक्षणा प्रधान है, ये इस प्रधान वीर्य को भी अगर इसका प्रतिलाभ कर रहे हैं, अपने छह इंद्रियों का संवर करते हुए उसका जो प्रतिलाभ कर रहे हैं, वीर्य का प्रतिलाभ कर रहे हैं, अपने हाँ अपने भीतर के जो मन मन में जागने वाले काम संकल्प है, जो व्यापार संकल्प है, विहिंसा संकल्प, इसका परित्याग करते हुए या परित्याग करते हुए अपने भीतर सम्यक संकल्प बढ़ाने का जो वीर्य आप उसका प्रतिलाभ कर रहे हैं, या भावना प्रधान में आता है कि जब आप भोजंग धर्म जब जगाने में आप सक्षम बन जाते हैं, जब आपको भोजंग के बारे में मैं विस्तार से सिखाऊंगा तब पता चलेगा कितना सुंदर है, कितना प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल रूप से आपको कितना 100% आपको मतलब आगे ले जाता है, धर्म के प्रतिफल देता है। ठीक है, इससे पहले भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो संयुक्त निकाय में भोजंग संयुक्त है, वो पढ़ लीजिए। तो लेकिन कैसे होता है, पढ़ना तो अच्छा है, पढ़ना ही चाहिए, तो वहां पर पढ़ लीजिएगा। तो इस तरह से वो भावना को भी, भावना का भी प्रधान वीर्य का प्रतिलाभ कर लेता है, या समाधि निमित्त को पाने के लिए और समाधि निमित्त जो पा लिया है उसकी अनुरक्षणा के लिए जो प्रधान वीर्य कर लेता है उसका प्रतिलाभ कर लेता है। तो ये चारों प्रकार के वीर्य का प्रतिलाभ होने से ये चार प्रकार के ये आश्रय बन जाते हैं। कौन कौन से? विवेक निश्रित, उसका आश्रय निविवेक बन जाता है, विराग निरोध और औसर्ग परिणाम। और ऐसा होने के बाद, ऐसा जब होता है तभी उसको कह सकते हैं कि आपके भीतर लोकोत्तर चित्त जागा है, और इस लोकोत्तर चित्त यानी कि आपको कम से कम श्रोतापन्न बनने की तो इच्छा होती ही है, या वो इच्छा या संकल्प वो विचार वो होना चाहिए। इन चार गुण है, इन चार गुणों के आश्रय से आप अगर इन चार सम्यक प्रदानों की भावना कर रहे हैं तो समझ लेना कि आपकी चित्त मतलब आपका चित्त निर्वाण की ओर झुका है, और ये सचमुच ऐसी बात है, ये चार सम्यक प्रधान आपको निर्वाण पाने के लिए शत प्रतिशत सहायक बन सकता है। और मैं अभी अभी दूसरी बात बताता हूँ, ये जो चार सम्यक प्रधान है, इन चार सम्यक प्रधानों में जितनी भी भगवान के मतलब धर्म है, धर्म की शिक्षाएं हैं, वो सारे के सारे इन चार सम्यक प्रधानों में समा जाते हैं, सब कुछ समा जाते हैं। जैसे उसके बारे में एक उपमा बताई जाती है, जैसे जंगल में जितने भी प्राणी हैं उनमें हाथी सबसे बड़ा हाथी मतलब प्राणी है, और हाथी जब चलता है और चलने के बाद जब जमीन में गड्ढा पड़ जाता है पैरों का, तो उस पैरों का जो निशान है, उस निशान पैर हाथी के पैरों के निशान से बड़ा अभी पैर नहीं है। जितने भी प्राणी अगर कोशिश किए जाए मतलब उस पैरों के निशानों के ऊपर अगर पैर वो अगर रख देते हैं, तो वो सब हाथी के पैरों के अंदर ही समाए जाते, मतलब उसके बाहर नहीं जाते, वो सब कुछ हाथी के पैरों का जो निशान है उसी के अंदर ही समाए जाते। तो वैसे ही ये भगवान बुद्ध के जितने भी ये धर्म है ना, जैसे कहा जाए तो बुद्ध वाणी के अनुसम्मत है तो 84,000 जो धर्म स्कंद है वो समग्र धर्म स्कंद कहाँ समा जाते हैं? चार सम्यक प्रधान। तो आप इससे भी समझ सकते हैं इन चार सम्यक प्रधानों की अगर भावना पूरी कर रहे हैं तो समझ लेना आपने ये समग्र बुद्ध शासन भी पूरा कर दिया, या बुद्ध शासन को अपने में समा लिया, अब भगवान के सच्चे उपासक बन सकते हैं। इसकी गहराइयों को समझ लेना, बहुत सुंदर है। और भगवान कहते हैं जिस व्यक्ति में ये चार सम्यक प्रधान वीर्य है, और ये चार सम्यक प्रधान वीर्य करने की ये चार आश्रय धर्म है, विवेक विवेक निश्चित है, विराग निश्चित है, निरोध निश्चित, औसर्ग परिणाम, अगर ऐसा है
तो भगवान बुद्ध उनके बारे में ऐसा कहते हैं, उस व्यक्ति की जो जीवन धारा है, उस व्यक्ति का जो जीवन है, वो निर्वाण की ओर ही जाता, वो निर्वाण से दूर नहीं होता। वो निर्वाण उसको बोलते हैं, और निब्बान निन्नु, यानी कि निर्वाण की तरफ ही उसका मतलब झुकाव है। निब्बान पूर्ण मतलब उसका जो भी, उसका मतलब जो कल है उसका, जो भी इसके ऊपर जो झुकाव है वो निर्वाण की तरफ। निब्बान पब्भार, और इसका मतलब होता है उसका जो ढलान है निर्वाण की तरफ। तो इसके बारे में एक उपमा बताई है भगवान बुद्ध, जैसे हिमालय से नदियां निकलती हैं, और वो नदियां, नदी जो उद्गम होती है, छोटी छोटी नदियां बड़ी नदियों को मिल जाती है, बड़ी नदियां बहती हुई समुद्र में जाती है। तो सभी नदियों का जो झुकाव है, उसका जो बहना ढह मतलब बहना है, उसका जो ढलान है ना, उसका बहना, उसका ढलान वो किस तरफ है? समुद्र की तरफ, समुद्र की जी तरफ है। उसको अभी कोई इधर उधर नहीं कर सकता है। उसका झुकाव भी समुद्र की तरफ है, उसका बहना भी समुद्र की तरफ है, उसकी ढलान भी समुद्र की तरफ है। तो वैसे ही भगवान बुद्ध कहते हैं, जिस व्यक्ति ने लोकोत्तर चित्त से, यानी कि चार आश्रय धर्म से, लोकोत्तर चित्त से इन चार सम्यक प्रधान वीर्य की अगर कोई व्यक्ति भावना करता है, इसको अपने में बढ़ाता है, तो वो व्यक्ति निब्बान की ओर ही, मतलब निब्बान की ओर झुका हुआ, निब्बान की ओर ही जाने वाला, निब्बान की ओर ही मतलब ऐसा ढलान वाला ही बन जाता है, यानी कि उसको निर्वाण तक जाना निश्चित है। ठीक है, तो इस तरह की इस चार सम्यक प्रधान वीर्य की गंभीरता है, इस गंभीरता को समझिए। ठीक है, तो ये जो मैंने आज उपदेश दिया, मैंने कहा था कि पिछले उपदेशों से ये देखना ज्यादा गंभीर है, ये सचमुच गंभीर है। अगर आपने इसको अगर समझ लिया, तो इसी आज जो मैंने विधि ये समझा दी है, इससे आप ये कर सकते हैं कि चारों सम्यक प्रधान वीर्य का प्रति लाभ तो कर सकते ही हैं, लेकिन इन प्रधान वीर्य को क्या कर सकते हैं, ऐसे मतलब उसका उपयोग कर सकते हैं जो लोकोत्तर चित्त के साथ में अपने में बढ़ाकर निर्वाण की ओर अपने मतलब वो ले जाए, इस तरह से आप उसका लाभ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये समग्र धर्म देशना आप लोगों को मतलब इसके लिए सहायक प्रेरक बनेंगे ही। बस वो समझे नहीं है तो दोबारा सुनिए, बार बार सुनिए, कोई बात नहीं। अगर जो बात समझ में आ रही है उसको नोट करके देखिए रखिए। और योनिसो मनसिकार के लिए, योनिसो मनसिकार करते हुए इस बात को समझिए कि ये प्रधान वीर्य कौन से हैं, कैसे हैं, और उसका मैं प्रतिलाभ कैसे करूँ, है ना। तो इसके लिए पहले क्या करना, समझने के बाद छंदन जनित, तो पहले इच्छा जगाना पड़ेगा, उसके बाद में वैसा प्रयास करना पड़ेगा, उस प्रयासों में सातत्य लाना पड़ेगा, और उस जो जो प्रयासों का जो प्रयास करने का जो मतलब जो वीर्य करने का जो भाव है, उस प्रयास को, उस वीर्य को ऐसे दृढ़ता के साथ धारण करना है, बिल्कुल किसी आदत में छोड़ना नहीं, दृढ़ता में धारण करना है, और ऐसा करता हुआ इन प्रधान वीर्य के अनुसार धर्म जीवन देना। तो ऐसे करते हुए आप इन चारों सम्यक प्रधानों को अपने में देखोगे, और ऐसा देखते हुए भगवान की सारी शिक्षाओं को अपने में आता हुआ या अपने में बढ़ाता हुआ आप देखोगे, सही तरीके से धर्म को धारण करने वाले बनोगे। ठीक है, तो ये आज तक आप नहीं किया तो करना चाहिए। बहुत सारे लोग मुक्ति के लिए प्रयास करते, लेकिन ये पता नहीं होता है सम्यक प्रधान वीर्य कैसे किया जाता है, ये कैसे मूलतः हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, पता नहीं होता है, इस कारण से उलझ जाते हैं। बस किसी कैंप में जाते हैं, किसी गुरु के पास जाते हैं, उनको कहा जाता है ऐसा करो, और वो ऐसा कर देते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं होता है, ऐसे स्टेप बाय स्टेप उसे आगे जाना होता है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों का भी इस चार सम्यक प्रधान वीर्य करने के बारे में, उसका वीर्य का प्रति लाभ करने के बारे में पूरी जानकारी मिल चुकी है। ठीक है, अभी इसके बारे में थोड़ा सा मतलब मनसिकार करते हुए बस अपने जीवन को उतारने का प्रयास कीजिए, बहुत मंगल होगा, बहुत कल्याण होगा। तो ये मैं यही आशा और आशीर्वाद करता हूँ कि ये धर्म देश ना आप सभी लोगों को धर्म के रास्ते चलने के लिए और धर्म के महान प्रतिफल निर्वाण पाने के लिए हेतु प्रत्यय बने।
आशीर्वाद है, अनुमोदन है। सुखी न दुखा निरोगा हुंतु निब्बानस्स बच्चयो होतु, सुखी हो भला। साधु साधु।